खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां चुराहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छोटी रवसर में चलने लायक सड़क नहीं बनी है, जिसका दुख एक किसान ने मीडिया को बताया है। किसान ने मीडिया को बताते हुए कहा कि यहां आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है और ना ही यहां पर कोई नेता मंत्री ने ध्यान दिया है। यहां गांव के हर लोगों का आना जाना रहता है। बरसात के मौसम में तो यहां कई बार भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार तो यहाँ गाड़ियाँ फिसल कर गिर जाती हैं। वहीं अब कुछ ही दूर पर रेलवे पुल बन रहा है, लेकिन वहाँ पर भी अभी पुल तैयार नहीं हो पाया है, जिसके चलते कई बार एक्सीडेंट हो चुका है। यहाँ तक कि मरीजों को ले जाने के लिए भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि किसान कहते हैं कि जब वोट मांगने का समय आता है तब नेता मंत्री यहाँ वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन रास्ते का अभी तक कोई इंतजाम नहीं हो पाया है, जिसको साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रास्ता किस तरह दिखाई दे रहा है। आइए सुनाते हैं किसान रामजी शुक्ला को, उन्होंने क्या कहा है। समस्या रोड की है, क्या समस्या? आए दिन लोग गिरते हैं और सड़क खराब है, कोई सुन नहीं रहा, ना सरपंच, ना मंत्री, ना और कोई। आगे रेलवे बन रही है, रेलवे में रोज आए दिन एक्सीडेंट होता है, न वो लोग मुरुम माटी डालते हैं, न कुछ। उतार चढ़ाव ऐसा है कि यहाँ से चढ़ें तो उधर गिर जाते हैं, उधर से चढ़ें तो इधर गिर जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। कौन सा क्षेत्र है? रवसर, छोटी रवसर, गुलाबी टोला। ये रास्ता जो है कहाँ जाता है, कहाँ से मिलता है ये रास्ता? चौराहे से गुलाबी टोला को आता है, मदरसा रोड, रानी कॉलेज। इसमें पहले भी आप लोगों ने रास्ते के लिए शिकायत की थी? अरे वो तो हर महीने हर साल करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। रोड कच्ची है, अब वहाँ मवेशी नहीं निकल पाते हैं, आदमी तो आदमी आए दिन हम लोग गाड़ी से परेशान रहते हैं, धोते हैं, मडगार्ड खोलते हैं, तब घर ले पहुँच पाते हैं। कौन सा थाना लगता है ये? थाना चुराहटा है। ममता शर्मा, जिला पंचायत सदस्य, योजना समिति सदस्य, कांग्रेस जिला पन्ना की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दंत चिकित्सक डॉक्टर वीरू वर्मा, जिला पन्ना की ओर से समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भुलगवा, जिला पन्ना की सरपंच श्रीमती शीला दहायत, सचिव वाल्मीक राठौर एवं ग्राम पंचायत रोजगार सहायक पंकज मिश्रा की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भाटिया, जिला पन्ना की सरपंच अनु वर्मा उर्फ अंजुम बानो एवं रोजगार सहायक शकील खान की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीणा एवं थाना प्रभारी सलेहा अभिषेक कुमार पांडे की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भादाकुई की ओर से समस्त क्षेत्रवासी एवं ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सरपंच माया धर्मेंद्र उइके, उप सरपंच सिंह मीणा, सचिव देवी सिंह मीणा, रोजगार सहायक मुकेश मीणा, ग्राम भादाकुई पंचायत, जनपद पंचायत नसरुल्लागंज, जिला सीहोर। जनपद अयोध्या से भावी बीकापुर नगर पंचायत प्रत्याशी व पूर्व जिला पंचायत सदस्य और मसौदा के मशहूर बंगाली दवाखाना के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवेश कुमार वर्मा की तरफ से सभी सम्मानित देश व प्रदेश वासियों को अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर 15 अगस्त, नागपंचमी, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, ग्राम पंचायत नवस्था की तरफ से समस्त जनता जनार्दन क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नवनिर्वाचित सरपंच अनिश सिंह नवस्थ। श्रीमती शांति देवी हायर सेकेंडरी स्कूल जुगसना बलदेव मथुरा प्रबंधक हरि सिंह चौधरी व मैनेजिंग डायरेक्टर दीपचंद चौधरी की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन, जन्माष्टमी व 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाजी फैजान खान डायरेक्टर जीएन एजुकेशन सेंटर एवं राइसविल रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
नरेश मंगल प्रबंधक मेसर्स इंडियन गैस सर्विस रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से स्वतंत्रता दिवस की प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती राधा द्विवेदी पत्नी किशन द्विवेदी ब्लॉक प्रमुख रसूलाबाद खंड विकास अधिकारी कमलेश कुमार रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से प्रदेश व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मऊगंज कंपोजिट मदिरा दुकान ठेकेदार लाइसेंसी उपेन्द्र सिंह अरुण सिंह और प्रिंस सिंह की ओर से समस्त क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद जय राष्ट्रांत। हमारा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव मना रहा है। इस पावन पर्व पर पूरे विंध के युवाओं को, विंध्यवासियों को, नई गढ़ी जनपद के लोगों को, जिले के लोगों को और पूरे प्रदेशवासी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवाओं से खासकर अपील है कि वो नशा मुक्त हों और बेहतर भविष्य के लिए आगे आए, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को दाम मिले और हमारा युवा एक प्रगति के पथ पे और भारत के विकास में युवा का युवा अग्रणी रहे। ये हमारी युवा के युवाओं से प्रार्थना है और छोटे भाइयों को ये संदेश है कि वो नशे का परित्याग करें, शिक्षा के क्षेत्र पे काम करें, अपने छोटों का सहयोग करें, बड़ों का सम्मान करें। एक बार फिर इस अमृत महोत्सव के आज़ादी के इस महान पर्व पे सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।